नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हम मौजूद हैं आगरा के कोटी मीना बाजार फील्ड में। यहीं पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी थोड़ी ही देर में आने वाली हैं। लगभग अभी मायावती को आने में एक घंटा है और हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ा जनसेला उमड़ा हुआ है, युवाओं में काफ़ी ज़्यादा जोश है। नीले रंग में रंग दिया गया है ये पार्क, और काफ़ी ज़्यादा जी जी क्या आप आपका चैनल आप बहुत बढ़िया दिखाते हैं बहुजन समाज के लोगों के लिए, आप बहुत अच्छा करो। धन्यवाद। अभी फिलहाल ये जनसैलाब उमड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं बी मिशन टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप तो उन लोगों को दिखा दें। लगभग यहाँ से लगभग आधी किलोमीटर दूर बहन कुमारी मायावती की मंच सजा हुआ है। आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा बड़ा जनसैलाब उमड़ा हुआ है, लगभग लाखों लोग बाहर हैं। आप देख पा रहे होंगे लाखों लोग बाहर हैं, यहाँ लगभग बड़ा सैलाब उमड़ा हुआ है और उधर पंडाल लगा हुआ है और उसके बाद लगभग मायावती का मंच है। तो आप समझ सकते हो कितने लोगों की भीड़ आई होगी। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा जनसैलाब मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी जनसैलाब उमड़ा हुआ है जी। और आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा महिलाओं में भी जोश है, युवाओं में भी जोश है। और आप सीधी तस्वीरें आप बी मिशन टीवी चैनल के माध्यम से देख पा रहे होंगे। आप इस वीडियो के बारे में कमेंट में राय देना और आप क्या कहना चाहोगे इस वीडियो में, क्या नाम हुआ जी? हेलो, एक सेल्फी ले लेते क्या नाम हुआ? मेरा नाम बबली, बबली बौद्ध। कहाँ से आए? नैनारे जाट से। ये मेरे बच्चे टाड़े बौद्ध। अच्छा, कैसा लग रहा, क्या रैली का माहौल है? ओ भाई साहब, जन्नत आ गई है। बढ़िया, जन्नत। थोड़ा बात कर लो जी, बताए जी, बोला क्या कर रहा है? चाहूंगी मायावती के लोग बहन जी के लिए। भाई साहब, बहन जी की सरकार को किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। अच्छा, कोई नहीं रोक सकता? कोई भी नहीं, चुट्टे मुट्टे आए चले जाएंगे दूर चाट के। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब जनसैलाब दिख रहा है आपको और आप हमारी आवाज उठाते हो, तो आपसे हमने रैली में यही देखा है कि आप ही केवल हमारे को इतना दिखाते हैं ना, कोई भी इतना दिखाने राजी नहीं है। और भी दूसरी बात यह है कि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हो रही है, नौजवान सभी बेरोजगार हैं। कंपनियां में जाते हैं तो 8,000-7,000 रुपए देते हैं, और जिसका परिवार हो 8,000 रुपये में क्या कर लेगा, 8,000 रुपये में क्या कर लेगा? और वो भी चला दिया अगर लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू, 8,000 रुपए की जरूरत क्या है? मतलब कंपनी में जाते हैं तो कहते हैं लॉकडाउन लग गया भाई, 15 दिन की छुट्टी हो गई। सरकार कौन की बनने जा रही है? हमारी समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है, 300+ में हम जीतने जा रहे हैं। 300+ 300+ रहेगी, 300+ रहेगी। काफी ज्यादा बड़ा सैलाब उमड़ा हुआ है और काफी ज्यादा बड़ा सैलाब उठा हुआ है। इनकी बातों पर कमेंट बना देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अभी मैं आऊंगा थोड़ी देर में। अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आओ। आई आई।